नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित टॉपिक निर्धारण कर चुके थे और आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक हम लोगों की थी प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है? ऐतिहासिक चित्रकला क्या है? तो एक शब्द में, एक वाक्य में इसका आंसर दे देंगे। प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा, प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है? प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र। आगे हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला खोज, प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज बहुत महत्वपूर्ण। आप देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर, भारतीय सभ्यता और संस्कृत को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर आर्किबोल्ड कार्लाइल और जॉन काकबर्ग के द्वारा की गई। प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? आर्चबोल्ड कार्लाइल और जॉन काकबर्न। इन दोनों ने 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, बेलन नदी अथवा सोन नदी की घाटी में, बिंध की सहायक पर्वत श्रेणी कैमूर की पहाड़ियों में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। भारतीय सभ्यता और संस्कृत को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर आर्चबोल्ड कार्लाइल और जॉन काकबर्न ने 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी या सोन नदी की घाटी में विंध्य पर्वत की सहायक पर्वत श्रेणी कैमूर की पहाड़ियों में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की।
खोज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की। आर्चबोल्ड कार्लाइल और जान का वर्ण, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किस सन में हुई, 1880 ईस्वी में, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कहाँ पर हुई, तो जैसे विकल्प रहेंगे, अगर प्रदेश रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में, जिले रहेंगे तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, और नदी घाटी रहेगी तो बेलन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में, और अगर बेलन नदी ना होगी तो सोन नदी घाटी सही मानेंगे। संयोग से दोनों विकल्प हो, बेलन नदी घाटी और सोन नदी घाटी, तो वरीयता बेलन नदी घाटी को देंगे। और प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किस पहाड़ी में हुई, कैमूर की पहाड़ी में। तो यहाँ से 5-7 क्वेश्चन बन रहे और सब बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये अक्सर पूछे जाए। तो इस तरह से भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज हो गई। आगे हम लोग देखेंगे इस खोज का महत्व क्या है, इस खोज का महत्व क्या, जरा बिजली के इस खोज का महत्व क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक चित्रकला का महत्व आप देखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा हम मानव के कार्मिक विकास को और उसकी कलात्मक अभिरुचि को समझने में सक्षम हुए, मानव के कार्मिक विकास को और उसकी कलात्मक अभिरुचि को समझने में सक्षम हुए। साथ ही बहुत सारे, मतलब अनगिनत प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर चित्रकला की सटीक परिभाषा देना भी संभव हुआ। और अब हम लोग देख लेते हैं चित्रकला की परिभाषा, चित्रकला की परिभाषा। अनगिनत प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर, अनगिनत प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी धरातल पर रंग और रेखाओं की मदद से लंबाई, चौड़ाई और यदि संभव हो तो गहराई या गोलाई या मोटाई आदि को दिखाकर किसी भी रूप का आभास कराना ही चित्रकला। किसी भी धरातल पर रंग और रेखाओं की मदद से लंबाई, चौड़ाई, साथ ही अगर संभव मोटाई या गोलाई या गहराई आदि को दिखाकर किसी भी रूप का आभास कराना ही चित्रकला। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला
को जानने के प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के स्रोत प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के क्या स्रोत है? प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के क्या स्रोत है? तो इसका सबसे सटीक उत्तर है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने का सबसे मुख्य स्रोत प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा गुफाओं की भित्तियों पर, छतों पर, फर्श पर, साथ ही खुले स्थानों में बनाए गए प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के स्रोत। अब इसे एक शब्द में कहिए, गुफाओं की भित्तियों पर, छतों पर, फर्श पर या खुले स्थान में बनाए गए चित्र, या यह कह दिए प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए प्रागैतिहासिक चित्र ही प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के सबसे प्रमुख स्रोत है। सबसे प्रमुख स्रोत है। और इस विषय पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें जो वो प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के द्वितीयक स्रोत के रूप में है, द्वितीयक स्रोत के रूप में है। और अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। तो इस संदर्भ में जानेंगे, एक पुस्तक है पिरी हिस्टोरी आर्ट ऑफ इंडिया, पिरी हिस्टोरी आर्ट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक जो है लियोन हार्ड एडम, लियोन हार्ड एडम के द्वारा लिखी गई है। पहली पहली बार ये पुस्तक 1940 में प्रकाशित हुई। आगे 1949 में, 1954 में, 49 में, 1954 में इसके संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किए गए, संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किए गए। एक पुस्तक है पिरी हिस्टोरिक हिस्टोरी इंडिया। ये पुस्तक जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है, ये पुस्तक स्टुअर्ट पिगट के द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक पहली बार 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट द्वारा लिखी गई और पहली बार 1950 में प्रकाशित हुई थी। आगे देखेंगे भारतीय विद्वान पंचानन मित्र ने भी सेम इसी नाम से प्री हिस्टोरी इंडिया नाम से जो है पंचानन मित्र
पंचानन मित ने भी अपनी पुस्तक लिखी। आगे जाने की एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है, ये पुस्तक एच ब्राडरिक के द्वारा लिखी गई है। और एच ब्राडरिक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में ब्राडरिक महोदय ने तीन अति महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रों को दिया। ये चित्र हैं, नंबर एक होशंगाबाद के आदमगढ़ का विशाल भैंसा दूसरा रायगढ़ के सिंघनपुर का आखेट दृश्य और तीसरा मिर्जापुर के सोरहो घाट का घायल होशंगाबाद के आदमगढ़ का विशाल भैंसा रायगढ़ के सिंघनपुर का आखेट दृश्य और मिर्जापुर के सरोहो घाट का घायल हुआ। ये तीन एक ब्राडरिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में दिए गए अति महत्वपूर्ण दृश्य। इसमें से जो होशंगाबाद के आदमगढ़ का विशाल भैंसा है, इस भैंसे को जो विशाल भैंसा है इसे दोहरी रेखाओं से बनाया गया है और इसमें रंग नहीं भरा गया। और यही आदमगढ़ का सबसे उत्कृष्ट दृश्य है। रायगढ़ के सिंघनपुर का सबसे प्रसिद्ध दृश्य आखेट दृश्य है। और देखेंगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ क्षेत्र में सिंघनपुर में आखेट दृश्य मिला है। इसके तहत गुफा की एक ही दीवार पर आखेट संबंधित दो दृश्य दिखाए गए। एक दृश्य में घायल भैंसा जमीन पर पड़ा दम तोड़ रहा है, उसके शरीर में बहुत सारे तीर चुभे हुए हैं और उसके चारों तरफ भाला बरछा लिए शिकारी घेरा बनाकर खड़े।
आखेट संबंधित जो यहाँ पे दूसरा दृश्य है वो अपेक्षाकृत अधिक रोचक और नाटकीय है। दूसरे वाले दृश्य में आखेट संबंधित सिंगापुर के दूसरे दृश्य में जंगली सांड को चारों तरफ से घेरते हुए उसे बर्छी भाला से छेदते हुए शिकारियों का मनोहारी और रोचक दृश्य मिला। और इस दृश्य में जो दूसरा वाला खेल संबंधित दृश्य में नाटकीय ढंग से दिखाया गया है कि उस प्रबल पशु की खीस, खीस मतलब लंबी श्वास से कुछ शिकारी हवा में उछल गए हैं और कुछ जमीन पर गिर पड़े। मिर्जापुर के सरहो घाट का जो घायल सुअर है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट दृश्य है। ये दृश्य एक ही कलर गेरू से बना है और इस दृश्य में घायल हुए सुअर का मुख अधखुला रह गया जो उसके असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा। तो ब्राडरिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो 1958 में प्रकाशित हुई इसमें तीन अति महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक दृश्य दिए गए हैं। एक मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के आदमगढ़ का विशाल भैंसा, दूसरा छत्तीसगढ़ में रायगढ़ क्षेत्र में सिंघनपुर का आखेट दृश्य और तीसरा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के सरहो घाट का घायल सुअर या सुअर के आखेट का दृश्य, सुअर के आखेट का दृश्य। आगे देखेंगे एक पुस्तक है आवर हेरिटेज, हेरिटेज इन आर्ट, आवर हेरिटेज आर्ट, आवर हेरिटेज इन आर्ट। असित कुमार हलदर, असित कुमार हलदर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये पुस्तक 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा जानेंगे कि जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, राइटर हैं जगदीश गुप्त और ये पुस्तक 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो कुल मिला के प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के प्रमुख स्रोत के रूप में, जो है वो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए प्रागैतिहासिक चित्र हैं और इस विषय पर जो लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं वो प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के द्वितीयक स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है,
रूप में प्रयुक्त की जाती है और इस विषय पर लिखी गई प्रमुख प्रमुख पुस्तकों में है प्री हिस्टोरिकार्ट ऑफ इंडिया, लेखक है लियोनहार्ड एडम, 40 में पहली बार प्रकाशित हुई, 49 और 54 में इसके संशोधित संस्करण भी प्रकाशित हुए। प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट द्वारा लिखी गई है, 1950 में प्रकाशित हुई। भारतीय विद्वान पंचानन मित्र ने भी प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम से अपनी पुस्तक इस विषय पर लिखा है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एच ब्राडरिक ने लिखा है, 1958 में प्रकाशित हुई और इसके ये तीन दृश्य अति महत्वपूर्ण हैं। अवर हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हल्दर ने लिखा है, 1952 में प्रकाशित हुई। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जगदीश गुप्त ने लिखा है, यह 1967 में प्रकाशित हुई। ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछ ली जाएगी इसका लेखक कौन है, ये पुस्तक किसने लिखी है, इस तरह से बहुत से क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते। और आगे हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थल हम लोगों की टॉपिक है। और देखेंगे जो भारत भूमि है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से अति संपन्न है। भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कश्मीर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित चित्रों के साक्ष्य मिले। और अब इसमें हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश के स्थलों में देखेंगे तो आप देखेंगे कि पंचमढ़ी होशंगाबाद भीम बेतका सहित आप देखेंगे धर्मपुरी पहाड़गढ़ प्योरपुर मोरी से प्रागैतिहासिक चित्र मिले। इनमें से पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका
ये तीनों आपके सिलेबस में, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीम बेतका, ये आपके सिलेबस में। और अब हम लोग जो है पंचमढ़ी पे चर्चा करने चल रहे हैं, पंचमढ़ी पे चर्चा करने चल रहे हैं, पंचमढ़ी। और आप लोग करिएगा क्या, हम एकदम आराम से स्लो मोशन में लेक्चर देते समझाते चलेंगे, मेन फैक्ट्स बोर्ड पर सामने लिखते भी चलेंगे, और जिनकी इच्छा हो या जो लोग चाहें वो अपना नोट्स भी करते चलेंगे, वो लोग अपना नोट्स भी करते चलेंगे और देखेंगे। पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में महादेव की पहाड़ी में स्थित पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में महादेव की पहाड़ी में स्थित है। और ये क्षेत्र जो है पंचमढ़ी, ये सतपुड़ा की पहाड़ी में सबसे रमणीय स्थान है, और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहकर संबोधित किया जाता। यहाँ के चित्रों की खोज 1932 ईस्वी में जी आर हंटर के द्वारा की गई। 1932 में हंटर महोदय ने कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज ईस्वी में जी आर हंटर महोदय ने कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज में दिए गए अपने वक्तव्य में पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों का पहली बार परिचय करा। और कुल मिला के यहाँ के चित्रों की 32 में इन्होंने खोज की, और इसमें अपने जो विचार व्यक्त किए, वक्तव्य दिए, लेख छपवाए, उसी में पहली बार पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों का परिचय दिया। आगे चल के देखेंगे, अगला नाम आप याद करेंगे, डॉक्टर डी एच गार्डन का। और डॉक्टर डी एच गार्डन को देखेंगे, इन्होंने 1936 ईस्वी में डॉक्टर गार्डन ने यहाँ पर कार्य किया और यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया। और डॉक्टर गार्डन ने
rock paintings of Mahadev Hills. The rock paintings of Mahadev Hills. The rock paintings of Mahadev Hills. नाम से लिखी गई अपनी पुस्तक में यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया, यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया। आगे देखेंगे पंचमढ़ी में लगभग 25 गुफाएं हैं और सुधार करिए लगभग 50 गुफाएं हैं और उन 50 गुफाओं में से 50 गुफाओं में से 25 गुफाओं में चित्र पाए गए और यहाँ पर पाए गए प्रमुख प्रमुख दृश्यों में निम्न को आप रख सकते हैं और यहाँ के प्रमुख प्रमुख दृश्यों में से एक है इमली खो, इमली खो की गुफा में पाया गया सांभर सांभर के आखेट का दृश्य। इमली खो की गुफा में पाया गया सांभर के आखेट का दृश्य। मांडा देव अथवा भांडा देव की गुफा के छत पर पाया गया शेर के आखेट का दृश्य। महादेव महादेव बाजार या केवल बाजार गुफा में पाया गया विशाल काय गुफा में पाया गया विशाल काय बकरी का दृश्य। बकरी का दृश्य। कन वाला में पाया गया छह पैर वाला काल्पनिक छह पैर वाला काल्पनिक पशु। बनिया बेरी की गुफा में पाई गई सागरभा गाय। इनके अलावा देखेंगे कि जो इमली खोह गुफा इस गुफा में इमली खोह गुफा में एक ऐसा दृश्य मिला है जिसमें पांच धनुर्धारी मिलकर एक बैल का पांच धनुर्धारी मिलकर एक बैल का शिकार कर रहे पांच धनुर्धारी मिलकर बैल का शिकार करते हुए। इसके अलावा यहाँ पर जो है सितार बादक सितार
बादक गर्ध मुख मतलब गजहे जैसा मुख वाला देवता, अश्वमुखी मानो आकृत, अश्वमुखी मानो आकृत, अश्वमुखी मानो आकृत, आयताकार शरीर युक्त, आयताकार शरीर युक्त, आयताकार शरीर युक्त मानो युगल, आयताकार शरीर युक्त मानो युगल। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि वानर क्रीड़ा के दृश्य मिले। महाकाय गजराज, महाकाय गजराज का दृश्य मिला। हाथी पर सवार जंगली भैंसे का शिकार करते हुए शिकारी मिले। शहद एकत्रित करते हुए लोग मिले। नृत्य वादन के दृश्य मिले। साथ ही बत्तख, ईगल आदि पक्षियों के चित्र भी यहाँ पर मिले। और यहाँ पंचमढ़ी के चित्रों में लाल गेरुए और पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। लाल गेरुए और पीले रंगों का यहाँ पर अधिक प्रयोग किया गया। आगे हम लोग देखेंगे होशंगाबाद क्षेत्र, पंचमढ़ी क्षेत्र देख लिए, अब हम लोग देखेंगे होशंगाबाद क्षेत्र। होशंगाबाद क्षेत्र आप देखेंगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में होशंगाबाद से इटारसी को जाने वाली सड़क पर नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा नदी के किनारे आदमगढ़ की पहाड़ी है। और होशंगाबाद जिले में या कहिए होशंगाबाद क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्र इसी आदमगढ़ की पहाड़ी में पाए गए। यहाँ के चित्रों की खोज, हाँ एक चीज ये ध्यान दीजिए, जब ये रहे आदमगढ़ के जो चित्र हैं उनके बारे में कहा जाए ये किस क्षेत्र से मिले, तो होशंगाबाद क्षेत्र से मिले। किस स्थल पर मिले हैं, तो आदमगढ़ नामक स्थान पर मिले। लेकिन पंचमढ़ी को देखेंगे, पंचमढ़ी भी होशंगाबाद जिले में ही है, लेकिन पंचमढ़ी स्वयं में एक क्षेत्र। और देखेंगे कि होशंगाबाद क्षेत्र के चित्रों की खोज
का श्रेय मनोरंजन, मनो रंजन घोष को प्राप्त है, जो पटना संग्रहालय के, पटना संग्रहालय के अध्यक्ष थे। पटना संग्रहालय के ये अध्यक्ष थे। और इसी मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में होशंगाबाद क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की। इस आदमगढ़ स्थल पर लगभग 12 चित्रित गुफाएं पाई गई हैं, और यहाँ पर पाए गए दृश्यों में घोड़े, हाथी, हाथी पर सवार, हाथी पर सवार जंगली जंगली भैंसे जंगली भैंसे शिकार करते शिकारियों का दृश्य मिला। और ध्यान देंगे कि हाथी पे सवार जंगली भैंसे का शिकार करते शिकारियों का दृश्य पंचमढ़ी में भी मिला है, साथ ही यहाँ पर भी मिला। इसके अलावा यहाँ पर जिराफ, जिराफ समूह मिला, चार धनुर्धारी मिले, छलांग लगाता हुआ 12 सिंगा मिला, और छलांग लगाता 12 सिंगा जो है इसे हल्की पीली रेखाओं से उकेरा गया, हल्की पीली रेखाओं से उकेरा गया। एक 10 फीट गुणे 6 फीट आकार का विशाल भैंसा मिला, और यही होशंगाबाद का प्रसिद्ध भैंसा है जिसे A.H. ब्राडरिक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के 3 प्रमुख दृश्यों में से एक माना। और इसके बारे में अभी हम बताए थे कि इसे दोहरी वाह रेखाओं से बनाया गया है और इसमें रंग भी नहीं भरा गया। मोर पक्षी, मोर पक्षी का विशाल चित्र मिला। एक स्थान पर वन देवी, एक स्थान पर वन देवी का चित्र मिला, एक स्थान पर जो है वन देवी का चित्र मिला है। विशाल हाथी मिली है, विशाल हाथी मिली है जिसे हल्के पीले पृष्ठभूमि पर, हल्के पीले पृष्ठभूमि पर बनाया गया। साथ ही देखेंगे होशंगाबाद में कुछ चित्र शिल्पांकन पद्धति से बनाए गए भी मिल जाते। अब बस इतना बहुत है होशंगाबाद के दृश्यों में। और अब हम लोग देख लेते हैं भीम बेतका, भीम बेतका या भीम बैठका, भीम बेतका या भीम बैठका।
या भील बैठका भीम बेठका या भीम बैठका को जानेंगे, भीम बेठका या भीम बैठका को जानेंगे कि भीम बेठका जो है ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और भोपाल, होशंगाबाद और भोपाल रेलवे स्टेशनों के बीच में पड़ने वाले उबैदुल्लागंज उबैदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के दक्षिण में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भोपाल होशंगाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच में पड़ने वाले छोटे से रेलवे स्टेशन उबैदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के दक्षिण में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के वाकर्ण कर महोदय ने की। आगे चलकर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने वीरेंद्र नाथ मिश्र ने धर्मयुग साप्ताहिक में भीम बैठका की गुफाओं का रहस्य शीर्षक से भीम बेदका पर सचित्र लेख प्रकाशित किया। भीम बेदका पर सचित्र लेख प्रकाशित किया। आगे देखेंगे ये भीम बेदका जो है यहाँ पर लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैली 600 गुफाएं, उनमें 475 चित्रित थी। यद्य बाद के समय में चित्र केवल 275 गुफाओं में ही शेष रह गए। 10 वर्ग किलोमीटर में फैली 600 गुफाएं हैं, उनमें से 600 में से 475 चित्रित थी, लेकिन बाद के समय में 275 ही चित्रित रहे। और भारत मध्य पाषाण कालीन कलात्मक गतिविधियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला भीमबेटका सबसे प्रमुख स्थल है। मुख्य रूप से ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, यद्यपि यहाँ पे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल सहित बाद के समय की भी बहुत सी कलात्मक सामग्री मिली। और 30,000 ईसा पूर्व के स्तर पर 30,000 ईसा पूर्व अर्थात उच्च पुरापाषाण काल के स्तर पर ही यहाँ पर प्रस्तर सामग्री मिली। यहाँ पर प्रमुख दृश्य सामूहिक नृत्य मदिरा मदिरा पान सामूहिक नृत्य मदिरा पान सामाजिक जीवन सामाजिक जीवन शिकार आदि से संबंधित
दृश्य पाए गए और देखेंगे यही भीम बेतका में। एक है गणेश घाटी, गणेश घाटी और गणेश घाटी में भीम बेतका में गणेश घाटी में पाया गया सबसे उत्कृष्ट दृश्य है, सबसे उत्कृष्ट दृश्य है युद्ध दृश्य, युद्ध दृश्य। और इस युद्ध दृश्य में चारों दिशाओं से चलते हुए अनगिनत तीरों को दिखाया गया। एक स्थान है लाड़ा वाई और लाड़ा वाई में पाया गया सबसे प्रमुख दृश्य है दूल्हा दूल्हन, दूल्हा दूल्हन का चित्र। एक स्थान है काटो टिया। एक दूसरा स्थान है फिरंगी, काटो टिया और फिरंगी। और काटो टिया तथा फिरंगी में गर्भवती महिलाओं का दृश्य मिला। एक स्थान है जावरा और जावरा में इस देश में प्राप्त सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र मिला है जो एक जंगली भैंसे का है जिसे गेरू से बनाया गया है और लगभग 3.5 मीटर लंबा। जावरा में पाया गया सबसे माने एक जावरा में पाया गया गेरू से बने विशाल भैंसे का चित्र मिला है जो लगभग 3.5 मीटर लंबा और ये इस देश में प्राप्त सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र। आगे जानेंगे एक स्थान है धर्मपुरी मध्य प्रदेश में भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर रहस्यमयी शिकारी का दृश्य या कहिए शिकार का रहस्यमय दृश्य मिला। भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुरी में हिरण के शिकार का रहस्यमय दृश्य या कहिए रहस्यमयी शिकारी का दृश्य मिला। इस दृश्य में घास फूस ओढ़कर शिकारी को प्राकृतिक वातावरण में छिपा दिखाया गया है जिससे उसका शिकार हिरण धोखा खाकर खुद उसके पास आ जाता आगे देखेंगे एक स्थान हम लोग अब देखने चल रहे हैं मोरी। मोरी को देखेंगे जो मोरी है
ये मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले में है और मोरी से आपको अष्टदल कमल, स्वास्तिक, सूर्य, चक्र, पीपल की पत्ती, अष्टदल कमल, स्वास्तिक, सूर्य, चक्र, पीपल की पत्ती सहित बांस की गाड़ियां, नृत्य रत मानो, पशुओं को हाँकते ग्वाले, पशुओं को हाँकते ग्वाले आदि के प्रतीकात्मक चित्र मिले। एक स्थान है पहाड़गढ़, पहाड़गढ़ सीओर, पहाड़गढ़ सीओर, पहाड़गढ़ सियोरपुर मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद में, मोरेना जनपद में, और मोरेना जनपद में है और यहाँ से डीपीएस दारिकेश, डीपीएस दारिकेश ने, डीपीएस डीपी यस दार केस उच्च पुरा पाषाण कालीन लगभग 25,000 वर्ष ईसा पूर्व के प्रागैतिहासिक चित्र खोज निकाले हैं और यहाँ पर चूना अथवा खड़िया और गेरू से बने प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं जिनमें शिकारी और शिकार के दृश्य। साथ ही देखेंगे असान नदी तट पर स्थित पहाड़गढ़ सियोरपुर में 1500 मीटर में फैली गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी पड़ी, मधुमक्खियों के छत्तों से भरी पड़ी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के स्थलों पर चर्चा, मध्य प्रदेश के स्थलों पर चर्चा समाप्त हुई और कल हम लोग छत्तीसगढ़ और आगे के राज्यों के स्थलों पर चर्चा करें। मोबाइल दीजिए। सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। अखिलेश कुमार जी बोल रहे हैं, यगन लिख कर पढ़ाते तो बहुत अच्छा होता हम सब के लिए। और क्या अखिलेश जी चाहते हैं कि पूरा हर शब्द लिख दिया जाए? वो आपके लिए बेहतर होगा कि मैं शब्दों को लिखकर उनकी व्याख्या करके उसे समझाया जाए। और अगर लिखना ही, सब कुछ लिखना एक तरफ से शब्द भाई सब, तो उसके लिए नोट्स तो हमने पीडीएफ अपने ऐप पे उपलब्ध ही कराया। एक तरफ से सब शब्द भाई शब्द लिखना भाई समझ से तो कोई उचित निष्कर्ष नहीं है। पढ़ने का मतलब कि मेन शब्द लिखकर उसको डिस्कस किया जाए, समझा जाए, उसका भाव क्लियर, और बाकी अपने अनुसार एक शार्ट नोट्स तैयार किया वो बेटर होगा। सब कुछ लिखवाना कहाँ संभव होगा।
अखिलेश जी सब कुछ लिख पाना संभव नहीं भाई, और उसके लिए रिक्वेस्ट मत करिए, जितने पॉइंट्स हैं मेन पॉइंट सब तो हम लिखते चल रहे हैं। अब एक तरफ से हम अगर सब एक एक शब्द लिखेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, एक एक शब्द सब लिखना, फिर लेक्चर क्या देंगे, समझाएंगे क्या, बस सब लिखते ही चलेंगे। अनुज वर्मा जिन्हें लिखा है कि आपकी क्लास प्रयागराज में बेस्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं TGT में जरूर सेलेक्ट हो पाऊँ। अनुज जी अगर रेगुलर हमारे साथ लगे रहे और हमारे सारे लेक्चर देखते रहे और आगे टेस्ट पेपर वगैरह भी सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने मतलब उन्हें बार बार रिपीट कर लीजिएगा, उससे गलतियां नहीं हो रही, तो आपको कोई ताकत PGT में सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। नितिका जी लिखी है कि आपकी आवाज बहुत कम आती, ऐसा तो नहीं होना चाहिए नितिका जी, अगर ऐसी कोई समस्या हो तो ईयरफोन का प्रयोग करिए। तानिया हाशमी जी गुड इवनिंग, ममता मुगल सभी को, बहुत सारे लोग हैं सभी को गुड इवनिंग। एक बंधु ने लिखा क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक ली, कोई भी नहीं, मार्केट में जितने क्वेश्चन बैंक हैं उनको पढ़ के केवल आप कंफ्यूजन हो। अगर आपको क्वेश्चन बैंक हल करने का शौक है तो केवल पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, PGT के और हल करने की इच्छा हो, KBS, NBS, NET, NET, हायर, जितनी भी परीक्षाएं हुई उनके क्वेश्चन कलेक्ट करके उनको हल कर, मार्केट में उपलब्ध क्वेश्चन बैंक के लिए हम सुझाव नहीं देंगे, उसे पढ़ के आप केवल कंफ्यूजन में ही बने रहे। रमेश चंद्रा जी लिखे सब लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे सर, इतना अच्छा पढ़ा रहे। रमेश चंद्रा जी आपके भावनाओं की मैं आदर करता हूँ, और इसके लिए क्या कहा जाए, वो तो लोगों की इच्छा पर है, उनकी इच्छा होगी सब्सक्राइब करेंगे अन्यथा नहीं, क्या हो सकता बहुत लोग ऐसे भी हों वो देख लेते होंगे और देखते जरूर होंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि हमारी गुडविल में थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स और इजाफा हो जाए, तो ऐसे लोगों को भी हमारी तरफ से धन्यवाद, देखते रहिए, आप लोगों का कल्याण हो, बस इतना ही हमारा लक्ष्य है। क्या छलांग लगाता 12 सिंगा पंचमढ़ी से भी मिला है प्रदीप कुमार जी? नहीं, छलांग लगाता 12 सिंगा होशंगाबाद के आदमगढ़ से ही मिला। गीता शुक्ला सर पूरा सिलेबस YouTube पर होगा? गीता जी पूरा सिलेबस तो YouTube पर नहीं होगा, लेकिन YouTube पर हम बराबर क्लास लेते रहेंगे, कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते रहे, सारा सिलेबस YouTube पर एक क्रम से नहीं होगा। हाँ कुछ मेन आगे अभी तो कुछ दिन क्रम से ही पढ़ाएंगे, और आगे कुछ मेन पॉइंट लेके हम बराबर YouTube क्लास लेते रहेंगे। सीमा मिश्रा जी आप कह रहे हैं कि मेरी बात भी
चुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं सीमा जी? संक्षिप्त में समझ में आता है, मतलब शॉर्ट में पढ़ाया जाए। नहीं सीमा, सिलेक्शन के लिए संक्षेप कोई विकल्प नहीं होता। ये परंपरागत एकेडमिक पढ़ाई नहीं है कि पास होना है, इसमें सर्वोत्तम बनना है। और इसके लिए शॉर्टकट या संक्षिप्त कोई विकल्प नहीं होता। आलोक शुक्ला, अजंता की गुहा में क्वेश्चन नंबर 36 या 37 को क्लियर कर। आलोक शुक्ला जी, ये क्वेश्चन, अब 36 नंबर कौन सा क्वेश्चन है 37 नंबर पर, अब यहाँ पे हमें क्या पता। हाँ, ये क्वेश्चन आप जो है, क्वेश्चन जो है आप 11 से लेके 1 बजे के बीच में, मैं ऑफिस में बैठता हूँ उस समय रहता है, उस समय हमसे पूछिए, तो उस समय हम इसको डिटेल में कौन सा क्वेश्चन क्या उसे देखकर आपको बता सकते हो, इसका निराकरण कर सकते हैं। और इसी के साथ सभी लोगों को एक, हाँ पहले सूचना, ये सब लोग सुन लीजिए, सोमवार से शुक्रवार तक मैं क्लास लूँगा बराबर, काफ़ी पे लेक्चर होगा। बृहस्पतिवार को टेस्ट पेपर डालूँगा और शुक्रवार को टेस्ट पेपर पर डिटेल में डिस्कशन होगा, सॉल्व किया जाए। और शनिवार को जूम ऐप के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करूँगा, लेकिन अब की शनिवार लास्ट रहेगा। अगर आप लोग शांति के साथ रहेंगे, अपनी अपनी समस्या बताएंगे, तो उस पर डिस्कस होंगे, अन्यथा इस शनिवार के बाद जूम ऐप पे मीटिंग बंद कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।